चलिए आगे बढ़ते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गुजरात के केवड़िया में उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर गृहमंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जवानों ने भव्य परेड का भी आयोजन किया। सीआईएसएफ के 75 साइकिल सवारों ने रैली निकाली तो पुलिस बल के 101 बाइकर्स ने परेड में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की जयंती पर एक वीडियो संदेश जारी किया और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके योगदान को भी याद किया। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल और उनके योगदान को भुलाने की कोशिश की गई। देश के अन्य हिस्सों में भी इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। सैकड़ों वर्षों से भारत के समाज में, परंपराओं में, लोकतंत्र की जो मजबूत बुनियाद विकसित हुई उसने एक भारत की भावना को समृद्ध किया है। लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि नाव में बैठे हर मुसाफिर को नाव का ध्यान रखना ही होता है। हम एक रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, देश अपने लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर पाएगा। सरदार पटेल हमेशा चाहते थे कि भारत सशक्त हो, भारत समावेशी भी हो, भारत संवेदनशील भी हो और भारत सतर्क भी हो, विनम्र भी हो, विकसित भी हो। उन्होंने देश हित को हमेशा सर्वोपरि रखा। आज उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है। पिछले 7 वर्षों में देश ने दशकों पुराने अवांछित कानूनों से मुक्ति पाई है। मित्रों, सरदार साहब ने जिस प्रकार से आजादी के बाद भारत को एक करने का काम किया, मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरदार साहब को भुलाने का प्रयास किया गया। आजादी के बाद उनके योगदान को उचित सम्मान, उनके योगदान को उचित स्थान कभी नहीं मिला, मगर ना उनको भारत रत्न दिया गया, ना उनको उचित सम्मान दिया गया। मगर कहते हैं कि सूर्य को कितनी देर बादल ढककर रख सकता है। परिस्थितियां बदली, देश बदला, आज सरदार साहब को भारत रत्न भी मिला है और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार साहब की हम सब की नजर के सामने है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूरी दुनिया को संदेश है कि भारत की एकता को कोई तोड़ नहीं सकता, भारत की अखंडता को कोई विकसित कर नहीं सकता और भारत के सार्वभौमत्व को भी इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। इसका प्रतीक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से इस प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 2 गुनी है।